कॉल ये। अरे अभी से खोलिए खोलिए, ताकत लगाइए। तो आज हम लोग लगाने जा रहे 1500 लीटर का हिमगिरी वाटर टैंक। तो दोस्तों, मेरा नाम है संजय नायक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी फिट। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पाइपिंग का काम कर लेते हैं। सेंटेक्स तो बाद में इंस्टॉल नहीं करना, बस उसमें कनेक्शन करना होता है, तो उसको भी हम देखेंगे बाद में। पहले हम लोग पाइपिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे सारे पाइप हैं। जो हमारा आउटलेट होगा वो होगा 100 इंची का होगा। तो ये हमारा जितना भी है, ये हमारा आउटलेट का पाइप है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको, हम पहले चारों तरफ फैला लेते हैं अपने छत में, जहाँ जहाँ हमें ड्रॉप करना है। जहाँ जहाँ जॉइंट बनेगा वहाँ अच्छे से सॉल्वेंट लगा के अच्छे से दोनों को कनेक्ट कर देना है, कि ऐसा ना हो कि बाद में लीकेज का प्रॉब्लम सामने आए। तो अच्छे से इसे कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमें एक नल का पॉइंट देना है, इसलिए हम यहाँ पे पाइप को कट कर लेते हैं। आप चाहो तो ब्लेड से भी कट कर सकते हैं या तो कटर से भी कर सकते हैं। तो मेरे पास कटर है, इसलिए हम कटर से कर रहे हैं। यहाँ पे एक टी लगा देना है ताकि यहाँ पे एक पॉइंट बन सके। तो एक हमारा नल का पॉइंट बन चुका है छत में। तो यहाँ से अब हमें आउटलेट को ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे हम एक पाइप का कट कर देंगे जहाँ भी आपने होल किया होगा। अब सॉल्वेंट लगाकर इसमें हम टी लगाएंगे। अच्छे से लगाना है, एकदम टी में भी लगाना है, पाइप में भी लगाना है, ताकि अच्छे से फिक्स हो। अब जो पाइप ड्रॉप होगा उसे हम नीचे लगा लेंगे। अब इस तरह लगा के हम बाहर से ऐसे पाइप को लगा देंगे। अब जो एक्स्ट्रा पाइप हमारा जो निकल रहा है उसे नाप के हम कट कर लेंगे। तो ये सही से फिट हो गया, बस हमें इसे कनेक्ट कर देना है। तो इसमें भी अच्छे से सॉल्वेंट लगा के हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा पहला ड्रॉप बन चुका है। इसी तरह आपका जहाँ जहाँ आपका ड्रॉप करना होगा आप उसी तरह हर जगह से ड्रॉप कर सकते हैं। और साथ ही आपको एक एयर पाइप भी देना होगा जहाँ से पाइप ड्रॉप हो रहा है, ताकि फिर एयर ना ले ले बाद में और बाद में प्रॉब्लम ना हो इसलिए। तो ये हमारा दूसरा ड्रॉप है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पाइप नीचे जा रहा है, एक पाइप ऊपर जो है वो एयर पाइप है।
और ध्यान दे कि एयर पाइप के ऊपर आप एक टी लगा देना ताकि वो कुछ उसमें चला ना जाए। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपके लिए ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव रही होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। अब हमारा जितना भी ड्रॉप गिरा है उसे अब हम बाथरूम से या जहाँ भी हमारा पॉइंट बना है वहाँ से हम कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा देख सकते हैं, यहाँ पहले से ही हमारा 1.25 इंची का पाइप निकला हुआ है बाथरूम से। तो यहाँ से हम जो मेरा आउटलेट गिरा है वहाँ से हम ऊपर से कट कर लेंगे और वहाँ से 1.25 इंची का पाइप जोड़ के हम इसे कनेक्ट कर लेंगे। तो हमारा इधर 2 पॉइंट है तो हम दोनों को पहले अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये मेरा हो चुका है। अब हम वाटर टैंक को इंस्टॉल करेंगे तो उससे पहले हमें इसमें होल करना पड़ेगा। होल करने के लिए जैसे दो तरीके होते हैं, एक चाहो तो आप ड्रिल से भी कर सकते हो, अगर आपके पास ड्रिल और कटर है तो आप उससे भी कर सकते हो, वरना आप इस तरह के पाइप को गर्म करके भी आप कर सकते हो जैसे कि हम कर रहे हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो आप चाहो तो जो भी आपके पास सुविधा आप उसके अनुसार कर सकते हैं। तो ये हमारा नीचे का होल है जो कि आउटलेट होगा, जो कि हमारा रहता है 100 इंची का रहता है, आपको जैसे कि पता होगा। इसी तरह हमें दो और होल करने होंगे ऊपर में, एक ओवरफ्लो का और एक जो होता है इनलेट का होता है जिसमें मोटर का पाइप आएगा। तो ये हमारा जो है ओवरफ्लो का पाइप है, तो यहाँ भी एक होल करेंगे हम। जो इनलेट का जो होल होता है वो टैंक के ऊपर में होता है, तो ऊपर भी हम एक होल कर लेंगे। सारे होल हो जाने के बाद हम होल की अच्छे से सफाई करेंगे सारे होल की, जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लेड से अच्छे से सफाई कर लेना है। अब हम टैंक कनेक्टर से हम सभी होल में एक एक कनेक्टर लगाएंगे, एकदम टाइट से लगाना है, उसमें टेप भी अच्छे से मार देना है। इसके साथ एक वाशर आता है, वाशर लगाना बिल्कुल ना भूले वरना लीकेज कर सकता है, इसमें कर सकता है, क्या करेगा ही, इसलिए याद से वाशर भी लगाए। और बाहर से अच्छे से टाइट कर ले, और अंदर से मतलब पकड़े रहना है और बाहर से टाइट कर लेना अच्छे से, ताकि अंदर से तो टाइट होगा नहीं इसलिए आपको बाहर से ही टाइट करना पड़ेगा अच्छे से। इसी तरह हम सारे होल्स में एक एक कनेक्टर लगा लेंगे। दोस्तों ये फिटिंग्स आपको दिखाना भूल गया लेकिन मैं आपको इसी में बता देता हूँ। आपको सेंटेक्स का जो आउटलेट निकलेगा उससे आपको थोड़ा सा दूरी के बाद आपको एक यूनियन लगाना है, ताकि हो सके आप आगे चल के आप सेंटेक्स चेंज करो या फिर आप कोई बड़ा सेंटेक्स लगाना चाहो तो आपको ईजिली काम आ जाएगा, उससे खोल के आप ईजिली लगा सकते हो। यूनियन जोड़ने के बाद आपको एक छोटा सा पाइप जोड़ के आपको एक बल्ब लगाना पड़ेगा, ताकि आप वाटर फ्लो को जो बंद कर सको और सेंटेक्स निकाल सको या फिर जो भी करना होगा आपको। तो ये कनेक्शन हम दिखाने भूल गए थे लेकिन आपको इसमें हम बता देते हैं, अगर नेक्स्ट वीडियो हम कहीं जाएंगे तो आपको हम इसमें अच्छे से बताएंगे कैसे इसको करना है। तो फिलहाल उसके लिए सॉरी, लेकिन हम अच्छे से जितना भी हो सका हम आपको इसमें बताने की कोशिश किए हैं। डूबते सूरज के साथ हम लोग का भी काम ख़त्म हो गया।